तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैट आ गया है जो कि 7D है, ठीक है। ये मैंने मतलब टाटा का ओरिजिनल जो शोरूम है उससे ना लेकर लोकल सी से लिया, लेकिन ये ओरिजिनल टाटा का है और ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्राइस होता है वो बच गया है, ठीक है। इसमें इसलिए मुझे थोड़ा सा जो काम दाम है वो कम पड़ा है, तो मैंने ऐसे भी डाल रखा है सब। चलो आज मैं बताऊँगा कि आपको किसे कैसे लगाना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते कौन सा पीछे वाला कौन सा आगे वाला है। तो मेरे हिसाब से ये वाला तो पीछे वाला सा है, ये वाला आगे लगता है। तो एक बार सबको जस्टिफाई कर लेते कौन कौन सा है। ये इस तरह से है, ये देखो ये वाला है सर आगे का, ये इस तरह से, इसका मतलब ये ड्राइवर साइड से। तो एक बार देखना पड़ेगा सभी जगह से, पीछे का पहले देख लेते हैं। देखो गंदा जो हो रखा है, मैंने बहुत दिन से जो वो लगाया नहीं था कवर, तो एक बार देख लेते हैं सबको साफ कर लेते, उसके बाद जो है ये मैट्स डलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे डलना है। तो ऐसा कुछ हो गया है फटे फटे, और बीच में ऐसा, चल देख लेते। पीछे वाला जो है वो शायद ये वाला, देखो मैंने निकाल लिया, तो बस सीट में रख के देख लेते हैं। ये वाला है, मिला लेते हैं कैसे लगेगा वो, चलो बता देते हैं। देखो ये हो गया है सीट, शायद आगे करना पड़ेगा, देख लेते हैं लगाते हैं। चलो तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है लगने के बाद, यहाँ से इस तरह से, ये देखो ये पूरा यहाँ से फिट हो गया है, और इधर की साइड अगर बात की जाए तो ये अच्छा खासा यहाँ से पूरा ये फिट हो गया है, ये देखो। और ये अंदर से वहाँ तक पूरा, अंदर से पूरा अच्छा सा यहाँ पे ये सेट हो गया है यहाँ पे। और आगे का दिखा देते हैं, आगे का दिखा दिए पहले, ये देखो आगे कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, ये यहाँ पे चिपक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पे फिट हो गया जो कि यहाँ पे देता है, और आप इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ये देखो। आप इसे चाहो तो निकाल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्विच करते हो तो यहाँ पे दिक्कत होता है, एक्सेट कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्रेस करने पे, ठीक है। और इस तरह का कुछ लुक आता है, आप देख लो अच्छा पूरे से अच्छे तरीके से सेट हो गया। डेड पैडल के लिए भी अलग से पूरा मैट दिया गया, वो भी सेट हो गया इधर से। और यहाँ तक देखो, यहाँ तक पीछे वाला मैट जो वो पूरा आ गया है। अब को ड्राइवर की बात कर लेते हैं, तो को ड्राइवर का कुछ ऐसा है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा फिटिंग आया यहाँ पे, आप देख सकते हो ये पूरा। आप देखो यहाँ पे लाइट कंडीशन भी अच्छा है, यहाँ पे अंदर तक ये घुस चुका है, और इस तरीके से कुछ लुक आ रहा है यहाँ पे, ये सेट हो गया है। और यहाँ पे ये 7D, ये देखो ये देखो, और ये वाला उधर साइड का, तो अच्छा खासा पूरा फिटिंग आ गया। घर में मैंने इंस्टॉल किया है, और इसमें दिक्कत सिर्फ ये रहता है कि ये आप देख सकते हो ये चिपक जाता है, ये देखो ये वाला चिपकता है, तो आप इसे ये लग जाता है, हिलेगा भी, ठीक है। तो कुछ ओवरऑल आप लुक देख सकते हो पीछे का और आगे का, इस तरीके से आता है। और ये बीच में जो इसका, चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हम्प जो है वो कभी कम है, तो आप यहाँ से भी रख सकते हो, काफ़ी प्लेन सा है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ये एडजस्ट करेगा थोड़ा थोड़े दिन में। और ये देख सकते हो आज मैं लगाया हूँ, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ी हो। ये देखो यहाँ से इसे निकाल के वॉश कर लो, और उसके बाद फिर से ये आप लगा दो, ये इस तरीके से कुछ लगता है यहाँ पे साइड साइड में, और ये आगे में, और उस साइड में भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लुक आता है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका ये वाला लगाएंगे जो कि है इसका स्कफ प्लेट। चलो लगाते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा। इस वाले वीडियो को भी लाइक कर देना, और आपको कोई भी मतलब क्वायरी हो तो आप मुझे पूछना। देखो कुछ इस तरीके का लुक आता है। थंबनेल के लिए मैं ले लेता हूँ, मतलब फ़ोटो खींच लेता हूँ थंबनेल के लिए, तो इस तरीके से आपको ओवरऑल लुक आएगा। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।